एवरीवन, वेलकम बैक टू फूडोपोलिस। आज मैं एक दिशांत की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो बहुत इजी और बहुत यम्मी बनती है और घर में बहुत आसानी से हम लोग इसे बना सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। और यहाँ पे मैं 1 टेबल स्पून ईस्ट ले रही हूँ, ये शायद हर किसी के फ्रिज में पड़े होंगे। और 1/2 टेबल स्पून मैंने लिया है यहाँ पे शुगर, और वार्म मिल्क ले लेंगे हम लोग 1/2 कप, और इसे हम लोग मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद उसे हम लोग 10 मिनट के लिए रेस्ट में दे देंगे। और उसके बाद हम लोग चले आएंगे यहाँ पे आटा बनाने। आटा के लिए मैंने मैदा लिया है, अकॉर्डिंग टू टेस्ट मैं लूँगी नमक, और फिर जो ईस्ट का पेस्ट मैंने बना के रखा था उसे, और वार्म मिल्क दे करके मैंने एक डो बना लिया था, और डो को मैं 1 घंटे के लिए किसी गर्म स्थान पर रख दी थी जैसे कि कैजरल में। और 1 घंटे के बाद आप लोग देखिए मैं चली आई हूँ, फिर से डो को मैं यहाँ पे सीट बनाऊंगी। डो को हम लोग इस तरीके से रोल कर लेंगे, और इसे ज़्यादा नीड करने का कोई ज़रूरत नहीं है। डो को हम लोग 12 पीसों में कट करेंगे जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। और सभी पीसों को हम लोग गोल गोल बना लेंगे, मतलब कि बॉल बना लेंगे, और हर एक बॉल को हम लोग सूखा आटा या मतलब ऑयल लगा करके इस तरह से शीट बनाएंगे, मतलब शीट बेल लेंगे, रोल कर लेंगे हम लोग। और 12 शीट हम लोग बना लेंगे, और बना करके हम लोग अलग रख देंगे। और हर एक सीट के बीच में हम लोगों को ये बटर इस तरह से स्प्रेड कर देना है इवेनली, और बटर लगाने में ज़रा भी कंजूसी ना करें, नहीं तो आपका ये जो क्रेशंट है ये बहुत अच्छा नहीं बन पाएगा। तो बटर अच्छी तरह से लगाएं, और हर एक सीट के बीच में आप लोगों को इस तरीके से बटर अच्छी तरह से लगा देना है, जिस तरह से हम लोगों से काम करवाने के चक्कर में बटर करते हैं, मतलब ऑयलिंग करते हैं, उसी तरीके से हम लोगों को यहाँ पे बटर लगा देना है। और हर एक सीट को हम लोग इस तरह से लेयरिंग कर देंगे। और हम लोगों को उसे कट करना नहीं था, उसे हम लोग फ्रिज में रख दिए हैं 1 घंटे के लिए। और तब तक हम लोग यहाँ पे स्टफिंग तैयार करेंगे। यहाँ पे रिफाइंड ऑयल मैंने गर्म कर लिया है, और उसमें 1 पिंच मैंने डाल दिया है सॉल्ट, और चिकन का जो कीमा था वो चिकन का कीमा मैं डाल दी हूँ, और 1 अनियन स्लाइस करके मैंने रखा था उसे भी मैं डाल दी हूँ। और इसे हम लोग अच्छी तरह से पकाएंगे ढक करके, इसे 10 मिनट के लिए हम लोग छोड़ देंगे ढक करके। इस चिकन कुक हो चुका है जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, और इसमें 1 टीस्पून मैंने डाल दिया है सोया सॉस, और अकॉर्डिंग टू टेस्ट मैं डाल दी हूँ यहाँ पे ब्लैक पेपर पाउडर, आप लोग चाहे तो ग्रीन चिली भी यूज़ कर सकते हैं। और चिकन को हम लोग इस तरीके से काटते हुए भूनते रहेंगे जिससे कि चिकन के जो भी बड़े बड़े पीस हैं वो टुकड़ों में कट हो जाएं। और ये मैंने फ्रिज में 1 घंटे के लिए रख दिया था, आप लोग देख पा रहे हैं ये जम चुका है, और मैं इसे बाहर निकाल ली हूँ। और ये डीप फ्रिज में रखने से ज़्यादा बेटर होगा क्योंकि इसमें जो बटर है वो अच्छी तरीके से मतलब जम जाए, तब ये अच्छी तरह से कट हो पाता है। आप लोग देख पा रहे हैं इसे मैं 8 पोर्शन में कट कर ले रही हूँ, इक्वल पोर्शन में ही हम लोगों को कट करना है, और ये बहुत इजी बन जाता है। और हर एक पोर्शन को मैं इस तरीके से थोड़ा सा ही रोल करना है, ज़्यादा रोल नहीं करना है, नहीं तो इसके जो फ्लफी हैं वो नष्ट हो जाएंगे, और मुझे स्टफिंग करना था तो इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा रोल किया है। और चिकन का जो स्टफ है हम लोग दे करके इसे इस तरीके से डिजाइन देते हुए बना लेंगे। और ये मैं विदाउट ओवन आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, तो वो भी मैं दिखाऊंगी कि किस तरीके से हम लोग बेक करेंगे इसे।
इस तरह से हम लोग शेप दे देंगे। और सारे क्रेशन तैयार हो गए हैं और यहाँ पे ओवन तैयार है, मतलब प्री हीट पहले से गर्म हो चुका था, तो मैंने उसमें डाल दिया है। और इसे हम लोग को 30 मिनट के लिए टोटल कुक करना है और हर एक 10 मिनट पे हम लोगों को ये दूध से ब्रश करना है फिश नट को। एवरी 10 मिनट के डिफरेंस पे हम लोगों को दूध से ब्रश करना है, नहीं तो ये हार्ड बन जाएंगे। और आप लोगों को यदि मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से या सब्सक्राइब से हम लोग काफ़ी मोटिवेट होते हैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करने के लिए। और देखिए 30 मिनट हो चुके हैं और निशान कितना प्यारा कलर ले चुका है, कितना प्यारा बन के तैयार हुआ है। और सारे क्रेशन बन के तैयार हो चुके हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं। बनाइए, खाइए, इंजॉय करिए और अपने फैमिली के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। निशान